ये कहानी है एक ऐसे वीराने जंगल की जहां एक इंसान का बच्चा पला और बड़ा हुआ। आइए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं जो एक बच्चे की है जिसका नाम मोगली था। बहुत समय पहले की बात है, एक घना और गहरा जंगल था जिसे सियोनी जंगल के नाम से जाना जाता था। इस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे, शेर, बाघ, भेड़िए, भालू और कई अन्य जीव जंतु। एक रात जब सब सो रहे थे तब अमदर वुल्फ और फादर वुल्फ के पास एक नन्हा बच्चा आया। ये बच्चा इंसानों का था। वे उसे जंगल में अकेले देखकर दया से भर गए। भेड़िए उसे अपने घर ले गए और उसका नाम मोगली रखा। मोगली को गोद लेने का निर्णय आसान नहीं था। जंगल में एक क्रूर बाघ शेर खानन भी रहता था। वह इंसानों से नफरत करता था और उसने मोगली को मारने की ठान ली थी, मगर भेड़िया परिवार ने मोगली की सुरक्षा का वादा किया। जंगल के कानून के अनुसार यदि कोई भेड़िया उसे अपनाता है तो बाकी जानवर उसकी सुरक्षा करेंगे। जंगल में मोगली का जीवन आसान नहीं था, लेकिन वह जल्दी ही जंगल के कायदों को समझने लगा। उसका पहला दोस्त था बालू, एक भालू जो जंगल का शिक्षक था। बालू ने मोगली को सिखाया कि जंगल में कैसे रहना है। उसने मोगली को अलग अलग जानवरों की बोलियां सिखाई ताकि वह सभी जानवरों से बातचीत कर सके। साथ ही बघीरा, एक काला पैंथर भी उसका मित्र बन गया। बघीरा ने उसे शिकार करना और जंगल में सुरक्षित रहना सिखाया। मोगली को जंगल में रहने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ा। कैसे पेड़ों पर चढ़ना है, कैसे बिना किसी आवाज के चलना है और कैसे अपनी रक्षा करनी है। बालू और बघीरा ने उसे समझाया कि जंगल का अपना नियम है और सभी जानवरों को इसका पालन करना पड़ता है। मोगली ने यह सब कुछ सीख लिया और जल्दी ही जंगल के जीवन का हिस्सा बन गया। जंगल में हर कोई मोगली को पसंद करता था, लेकिन शेर खान मोगली को अपना दुश्मन मानता था। शेर खान का मानना था कि इंसान जंगल के लिए खतरा है। उसने मोगली को चेतावनी दी थी कि वह उसे नहीं छोड़ेगा। शेर खान ने कई बार मोगली को मारने की कोशिश की, मगर हर बार बालू और बघीरा उसकी रक्षा करने आ जाते थे। मोगली को शेर खान से डर नहीं था, लेकिन उसके दोस्तों को पता था कि एक दिन मोगली और शेर खान का आमना सामना जरूर होगा। बघीरा ने मोगली को एक लाल फूल के बारे में बताया जिसे जंगल के जानवर बहुत डरते हैं। लाल फूल का मतलब था आग। इंसान ही इस लाल फूल का इस्तेमाल कर सकते थे और शेर खान भी इससे डरता था। बघीरा ने मोगली से कहा कि अगर उसे कभी भी शेर खान का सामना करना पड़े तो वह इस लाल फूल का इस्तेमाल कर सकता है। एक दिन मोगली खेलते खेलते बंदरों के झुंड में फंस गया। जंगल के बंदर नटखट और शरारती थे और वे हमेशा परेशानियां खड़ी करते रहते थे। बंदरों ने मोगली को पकड़ लिया और उसे अपने कोबरों के मंदिर में ले गए। बंदरों का इरादा था कि वे मोगली को अपना राजा बनाएंगे ताकि वह उन्हें इंसानों की तरह चालाक बना सके। जब बालू और बघीरा को मोगली के अपहरण का पता चला तो उन्होंने मिलकर उसे बचाने की योजना बनाई। उनकी मदद करने के लिए उन्होंने किंग लुई नाम के एक बड़े बंदर को मनाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। तब वे मोगली को बचाने के लिए खुद ही बंदरों के मंदिर में घुस गए। उनकी बहादुरी और चालाकी से उन्होंने मोगली को बचा लिया। इस घटना से मोगली को समझ में आया कि बंदरों के साथ दोस्ती करना सुरक्षित नहीं था। मोगली की उम्र बढ़ने लगी थी और अब वह लगभग युवा हो गया था। शेर खान का डर और नफरत भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन जंगल में बहुत तेज तूफान आया और एक पेड़ पर बिजली गिरने से आग लग गई। मोगली को बघीरा की सलाह याद आई कि आग यानी लाल फूल ही शेर खान को मात दे सकता है। उसने पेड़ की जलती हुई टहनी उठाई और शेर खान की ओर बढ़ा। शेर खान मोगली के हाथ में आग देखकर डर गया। मोगली ने साहस दिखाते हुए शेर खान को चुनौती दी और उसे जंगल से दूर भगा दिया। इस तरह मोगली ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से शेर खान को हराया
और जंगल के सभी जानवरों का दिल जीत लिया।